दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या हमारे पास 6m + 32 इक्वल टू कितना 62 है। देखो यहाँ तो m है वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल है, ये नॉन है, लेकिन यहाँ बीच में इक्वल का साइन है। आपको ध्यान रखना है कि जब इक्वल बीच में हमारा पड़ता हो तब अगर हमारे डिजिट ट्रांसफर हो रहे आगे या पीछे, लेफ्ट या राइट, तब हमारा साइन क्या हो जाए, हमेशा चेंज हो जाए। तो हम देखो ये तो एम है, इसको पीछे ले जाएंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे पीछे करेंगे, इक्वल से पीछे ले जाएंगे, तो इसके साइन प्लस से पीछे आके माइनस हो जाएगा। देखो कैसे 6m इक्वल 62, हमने यहाँ से उठाया इसको पीछे ले गए कितना -32, क्योंकि यहाँ प्लस था, पीछे जाके क्या हो गया माइनस हो गया। अब 6m इक्वल टू 2 में 2 गए 0, 6 में 3 गए 3। ओके देखो m इक्वल टू, अब ये डिवाइड में आ जाता 6, ये 6 नीचे आ जाएगा 30/6, 6 5 30। अब हमें m की वैल्यू मिल गई कितनी 6। ओके ऐसी यहाँ है भाई 8 7/8x है +31 = 120। तो भाई इक्वल है बीच में, पहले हम नॉन वेरिएबल को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे तो सीधा 7/7x/8 ऐसे रहेगा, यहाँ पे इक्वल 120। देखो यहाँ से मैंने इसको उठाया पीछे ले गया तो -31, तो 7x/8 तो ऐसे रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 3 गया 8, 89 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 रख दो, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 89 × 8। ओके 89 हो रहा, देखो 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 जाएगा 8। ओके अब इसको इंटू कर दो 89 × 8, 8 9 72, 8 64, और 7 कितना होता 64 और 7 71, तो कितना आ रहा 712। और ये x की वैल्यू आ गया अगर, तो x 7/12 / क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्या है 5l है, 5l इक्वल टू कितना 25 है, तो ये मल्टीप्लाई में ये सीधा डिवाइड में आ जाएगा, l इक्वल टू 25/5, तो 5 5 = 25, तो l इक्वल टू कितना हो गया 5। यहाँ देखो 5a + 35 = 0 है, ये पीछे जाएगा तो देखो 5a इक्वल टू, ये 0 से फायदा नहीं है तो सीधा -35 हो जाएगा, क्योंकि 0 से माइनस करो यही रहेगा, वो a इक्वल टू -35/5, तो 5 7 = 35, लेकिन माइनस तो माइनस, a इक्वल टू -7। ओके okay.